आगरा 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 आगरा। लंच करके कपड़े चेंज करके अभी रेडी हो चुके हैं ताजमहल जाने के लिए और एक्साइटमेंट लेवल इतना जितना आज से पहले कभी भी किसी भी मॉन्यूमेंट को देखने से पहले नहीं हुआ। ये है हमारे ताजमहल के एंट्री पासेस जिन्हें हमने कल ही बुक करा लिया था। हमारे होटल से ताजमहल का रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का है। चलो अभी चलते हैं ताजमहल की ओर। अरे रुको भाई, ये ताजमहल नहीं है, ताजमहल तो देखने अभी जाना है। मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी कहीं जाता हूँ मौसम खराब हो ही जाता है और यहाँ पे भी आज ऐसा ही हुआ। बारिश आ गई, सनसेट देखना था ताजमहल पे, वो शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा और शायद कल भी नहीं हो पाएगा। कल की भी वेदर रिपोर्ट यही है। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, बारिश रुकी तो ठीक है वरना बारिश में ही घूमने निकलेंगे। पाँच बज गए शाम के और अभी तक बारिश नहीं रुकी। देखने गया था बारिश, पूरी शर्ट भीग गई और हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है अभी। अगर 30 मिनट में बारिश नहीं रुकती है तो हम ताजमहल में एंट्री नहीं ले पाएंगे। 5:30 बजे एंट्री क्लोज हो जाती है। और एक बात और है, डार्क काफ़ी हो गया है, पूरा अंधेरा हो गया बाहर। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, भगवान के हाथ में ये सारी चीज़ें। लेट्स वेट। अभी 7 बजे हैं सुबह के और जस्ट अभी 15 मिनट पहले मैं देख के गया था बारिश रुक गई थी और जैसे ही रेडी होके आए फिर से बारिश। वेट करते हैं, आज का हमारे पास पूरा दिन है, ताजमहल जरूर देखते रहेंगे। 25 साल लग गए मुझे आगरा आने में और जब आ गया हूँ तो बारिश बारिश और बारिश। एक झलक, बस एक झलक पाने के लिए आगरा की सड़कों पर घूमते रहे। पर क्या मजाल जो ताजमहल दूर से भी दिखाओ। As expected, दूसरा दिन भी बारिश में ही धुल गया। आगरा में हमारा 3रा दिन है और थैंक गॉड आज मौसम साफ है। अभी जा रहे हैं ताजमहल घूमने और 3रे दिन लगातार मैंने कुर्ता डाला है, रोज डालता हूँ, बारिश देखता हूँ निकाल देता हूँ, घूमना ही थी कुर्ते में। अभी तक टोटल 3 एंट्री गेट आ चुके हैं और हर एंट्री गेट पे ये लगता है कि अभी दिखेगा ताजमहल, अभी दिखेगा। अभी भी एक्साइटमेंट बरकरार है क्योंकि अभी तक दिखा नहीं। अभी एक और एंट्री गेट है, काफ़ी बड़ा सा दरवाज़ा, शायद उसके बाद दिख जाए। ये मेरे एंट्री के लिए बनाया गया। हाँ मैं राजा वैसे पधार रहे नहीं, मैंने योगी जी को फ़ोन किया था कि सन्नी आ रहा है, एक और एंट्री गेट बना दीजिए। योगी जी ने देखो रातों रात क्या खड़ा करवा दिया। जैसे ही ताजमहल को पहली दफा देखा मेरे मुंह से बस 2 शब्द निकले, वाह ताज। बोलने को तो यहां मैं कितना कुछ बोल सकता था, ताजमहल की हिस्ट्री एंड ऑल दैट, पर खूबसूरती इतनी कि मैं कुछ कह ना सका और वो सब समझता चला गया। जब से मैं ताजमहल में आया हूँ मेरे कानों में एक ही गाने की बार बार लिरिक्स अपने आप गुनगुनाए जा रही हैं। मेरे साथ कोई मुमताज तो है नहीं, लेकिन वो सॉन्ग मैं आप लोगों को डेडिकेट कर दूंगा वीडियो के एंड में। अरे मेरा चुप हो सारे साजा के चुप। प्यार तो प्यार होता है भाइयों के ऊंचे, गर्लफ्रेंड भी साथ हो। ये लिरिक्स मैं काट दूंगा। लिरिक्स मतलब जो भी ये बोल रहा है, लिरिक्स इतने प्यारे कि वो बस परफेक्ट शॉर्ट्स के साथ ही मैच हो पाए, इसलिए हम कोशिश पे कोशिश करते रहे और फाइनली 8389 शॉट्स के बाद हमें मिल गया अपना आज तक का परफेक्ट शॉट। अभी नहीं यार, बोला ना वीडियो के एंड में। 2 घंटे ताजमहल को घूमने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी, पानी 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 पानी।
पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। वक्त आ गया अभी ताजमहल को अलविदा कहने का, और अभी हम निकल चुके हैं एग्जिट गेट से, ताजमहल से बाहर। एक चीज़ बाकी, अभी वीडियो बाकी है, इंतज़ार कीजिए। शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनवाया तो इनिशियली उसका प्लान था कि यमुना के इस साइड ताजमहल वाइट और दूसरी साइड ताजमहल ब्लैक मार्बल से बनवाएगा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। अभी वहाँ जा रहे हैं हम पीछे से ताजमहल का व्यू देखने, उस एरिया को काला ताजमहल या रामबाग के नाम से भी जानते हैं। तो अभी इस गेट से हमने एग्जिट ले लिया ताजमहल के, अभी दूसरी साइड चलते हैं यमुना के उस पार। ड्रोन उड़ाने का काफ़ी मन है, लेकिन यार यहाँ ड्रोन ही नहीं उड़ाने दे रहे, ना अगली साइड और अभी पीछे आ चुके हैं मोतीबाग साइड, ना यहाँ ड्रोन उड़ाने दे रहे। बोल ऐसे रहे हैं कि 500 मीटर तक नहीं उड़ा सकते, वहाँ आगे 300 मीटर कह रहे थे, यहाँ 500 मीटर कह रहे हैं, लेकिन ताजमहल से 500 मीटर पीछे है पार्किंग, यहाँ एक पुलिस चौकी है, यहाँ पे भी नहीं उड़ाने दे रहे, कह रहे हैं इस गाँव में भी नहीं उड़ा सकते। उड़ाए कहाँ, अभी पीछे अगर आगरा से बाहर जाके उड़ाएंगे ताजमहल थोड़ी दिखेगा। टेलीस्कोप लगा भाई, क्या ही बताएं, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। और एक बात और बताऊं, पता ही नहीं किसी को परमिशन किससे ले यहाँ पे ड्रोन की, ऑनलाइन कोई परमिशन परमिट वगैरह कुछ है नहीं कि हाँ यहाँ से परमिशन ले सकते ड्रोन की। इधर पुलिस वालों से पूछा, इन्हें नहीं पता, उधर CISF वालों से पूछा, उन्हें नहीं पता। ये शॉट काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा आपने, बस ताज के इस पूरे व्यू को देखने गए थे यहाँ। भाई वाह, मज़ा आ गया। गुजरते वक्त के साथ अब वक्त आ चला था घर की ओर प्रस्थान करने का। एंड में बस ये कहूँगा, शाहजहाँ ने जो डिसीज़न लिया था ना इसे बनवाने का, परफेक्ट था। एक लास्ट सीन बाकी है, अगर उसे देखने के बाद आपको मज़ा आ जाए तो एक लाइक कर देना, मुझे आपका प्यार मिल जाएगा। सुनो ना संग मरमर किए मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा।